मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। अरे वाह, ओहो, तो यहाँ पे बैठ के ठंडी ठंडी हवा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कशिश, ठंड लग रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग कशिश, तेरी जैकेट भी मैंने बाहर निकाल दी, अब चाहे तो उसे पहन ले। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू इंडियन मॉर्निंग स्टूडियो। और फिलहाल चाय ली जाए क्योंकि कुकड़ी जम रही है। कुकड़ी होता है या कुल्फी होता है? यहाँ पे जितना भी सोचो ठंड ज़्यादा ही हो रही है। अब पता है मुझे किस चीज़ का डर है, जैसे कि मान लो हम यहाँ से निकले और यहाँ पर स्नोफॉल हो जाए। हो जाएगी, आज बोल तो रहे हैं सब लोग देहरादून में बारिश होगी तो यहाँ पे स्नोफॉल होगी। हम एक्सटेंड करा लें? नहीं, कशिश की पढ़ाई है, कशिश की पढ़ाई के आगे कुछ भी नहीं है। और ये भी तो नहीं पता पक्का हो जाएगी? हाँ, ये भी नहीं पता कि कंफर्म नहीं है कि भाई होगी होगी। वेदर फोरकास्ट बोला कंफर्म है। हाँ, फिर तो हम लोगों को मुझे लगता है रुकना चाहिए। नहीं, कशिश की पढ़ाई है ना, इसलिए रुकेंगे। मेरी फिर से स्नोफॉल की वो इच्छा रह जाएगी दिल में। कोई बात नहीं, मैं इतना अच्छा तो मैं स्विट्जरलैंड में करता हूँ। एकदम अच्छा, ये ऐसी बातें करते हैं। माउंट इटलीस है ना, वहाँ पे लेके जाऊँगा। ओके, अच्छा इन लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। इन लोगों ने, प्रशांत ने खाया है एग ऑमलेट और तुम क्या कर रही हो? वेज सैंडविच। और मैंने अपने लिए एक प्याज का पराठा मंगाया है क्योंकि अब पता नहीं है ना कहाँ जाके रुके हैं हम लोग। चाय अच्छी है, चीनी कम है आज, मैंने बोल दिया था इनको। और पता है मैं तीन बार से इनसे जब से चाय बनवा रही हूँ हर बार एक ही बात बोलती हूँ, अदरक ज़्यादा चीनी कम, तो इनको अब याद हो गया है। तो तुम लोगों का यहाँ का विदाउट स्नो एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, मज़ा आया। ठंड बहुत है, इतनी ठंड में तो वैसे बर्फ पड़ जानी चाहिए। ओके, नॉट सो, मतलब सुपर। हाँ, एवरेज है। एवरेज है, 3 out of 5। फूड इज, फूड इज ओके, 4। मैं 4 दूंगी एक्चुअली, 4 out of 5। और जो बाकी चीजें हैं उनके लिए मैं 3। सो एंजॉयिंग गरम गरम पराठा इन ठंडा ठंडा मौसम विद गरम गरम टी। जब भी वेकेशन खत्म होती है ना तो मन बहुत अजीब हो जाता है, लगता है कि अब खत्म हो गया, अब घर के वही डेली के काम है ना। लेकिन रीमा अपने अपने ब्लॉग्स की वजह से कुछ ना कुछ हमेशा एक्साइटिंग तो करती ही रहती है, तो लाइफ रीमा के ब्लॉग्स की वजह से हमारी एक्साइटिंग भी हो गई है, साथ में हम लोगों की भी एक्साइटिंग हो गई है। पहले से कहीं ज़्यादा हो गई, पहले से कहीं ज़्यादा एक्साइटिंग है। पहले भी थी लेकिन इससे कहीं ज़्यादा हो गई। हाँ, पहले भी हम लोग घर में बैठने वालों में से नहीं थे। तो गाइस, आज हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और थोड़ी देर पहले मैंने शायद आपको बताया भी था, तो हम लोग देहरादून में रुकेंगे थोड़ी देर के लिए क्योंकि मैं देहरादून में किसी से मिलने वाली हूँ। मैं भी फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ और आप लोग भी उनसे फर्स्ट टाइम मिलोगे, लेकिन मिलकर आप ज़रूर खुश होने वाले हो। तो ब्लॉग से जुड़े रहना और आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे तो अच्छा बहुत लगने वाला है क्योंकि काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, काफ़ी ज़्यादा हम लोगों की व्हाट्सएप पे बात हो चुकी है। और मैं आगे चल के बताऊँगी, मैं अभी ये सरप्राइज़ रिवील नहीं करना चाहती। और तो मन बहुत था उनका मेरे से मिलने का और मेरा भी उनसे बहुत मन था मिलने का, तो बस आज वो दिन आ चुका है कि मेरी उनसे मुलाकात हो जाएगी। देहरादून से हम लोग निकल रहे हैं और वो लोग देहरादून में ही रहते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसे हम लोग मिस नहीं करना चाहते। तो पता नहीं फिर कब आना हो हमारा देहरादून में, तो आज ये मौके का फ़ायदा उठा ही लेते हैं। पता है अभी मेरा बाहर पर्स रह गया था जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन वो जो भैया है ना पीछे, मैं दिखाती हूँ आपको, वो वाले भैया अभी टेबल ही क्लीन कर रहे हैं, उन्होंने ला कर दिया मुझे मेरा पर्स। तो मेरा पर्स बाहर रह गया था, वो तो प्रशांत को पता नहीं है, उनको पता चला तो कहेंगे तुम कितनी लापरवाह हो।
लापरवाही की वजह से हुआ है शायद, व्लॉग में देख लेंगे। कोई बात नहीं, अब व्लॉग में मैं उन्हें व्लॉग नहीं दिखाऊंगी अपना ये वाला। तो मैं क्या बात कर रही थी कि उनके ना दो प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, उनके लिए मैंने कल मसूरी से कुछ लिया है और ये अटेंडम प्लान बना उनसे मिलने का, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये है वो प्यारा सा गिफ्ट, क्यूट सा गिफ्ट है, आई होप उन्हें पसंद आएगा और गिर के कहीं टूट ना जाए इसलिए। एक लड़की है उनके ना, एक एक बॉय है और एक गर्ल है, तो मैंने यही सोच के लिया है। दो तो गर्म पानी की थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम है, कल तो मुझे ही लग रही थी, परसों तो मुझे ही लग रही थी, लेकिन आज यहाँ पर जो लोग आए हैं रुकने के लिए उन सबको यही कंप्लेंट है कि गर्म पानी नहीं आ रहा बाथरूम में। तो ये लोग पता नहीं अंदर से अपने किचन विचन से गर्म पानी की बाल्टी दे रहे हैं, तो थोड़ा सा गर्म पानी की दिक्कत है यहाँ पर। मतलब जो गीज़र है उसमें ना बहुत थोड़ा पानी गर्म होता है, उतना कि बस हाथ मुंह धो पाओ उतना ही गर्म हो पाता है, और वो हाथ मुंह धोने के लिए तो ठीक है, लेकिन जिसको नहाना हो उसका क्या। फाइनली सब कुछ फिक्स कर लिया है, ऐसे होते हैं। मैं भी ऐसी था, घर जाना है, कंफर्टेबल नहीं फील करते ना अपने, अपना अपना रूम, अपना बेड और हाँ। अपनी चीजें। आपका प्लान था कि हम दो दिन और रुकें, पता नहीं स्नोफॉल ना हो जाए जैसे ही हम यहाँ से निकले, लेकिन कशिश है कि मान ही नहीं रही है, मुझे घर जाना है। बस इसका यही है, और इसी वजह से हम लोगों को निकलना पड़ रहा है। खैर बच्चा पहले है और फिर इसकी पढ़ाई भी है, इसको जा रही हूँ। बच्चा पहले है उसके बाद उसकी पढ़ाई है, बाद में सब कुछ है। तो बस ये डिसीजन फिर हम लोगों ने ले ही लिया, अदरवाइज हम लोग तो बहुत बड़े वाले घुमक्कड़ हैं। मैं तो कपड़े भी दो तीन जोड़ी एक्स्ट्रा रख कर ही चलती हूँ कि कहीं एक्सटेंड करने का दिल कर गया तो आराम से हम लोग अपना टाइम स्पेंड कर सकें। सारा सामान मेरे साथ चलता है। एक बहुत प्यारा सा पॉइंट देखा है मैंने, तो मैं आप लोगों को वही दिखाने वाली हूँ। आ जाओ कशिश, कशिश ने तो पूरा कंबल उंबल ओढ़ लिया है, तुम कंबल के अंदर घुस जाओ, मुझे घर जा दो ना। हाँ घर जाके ही उतरना, अब तुम वहीं लैंड होना। ओहो तो यहाँ पे बैठ के ठंडी ठंडी हवा, मुझे ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा। मैंने प्रशांत को बोला कि गाड़ी जरा साइड में लगाओ, मुझे थोड़ी देर यहाँ बैठना है, सुकून से बैठ। देखा वो पंछी कितनी ऊंची उड़ान भर रहा था, वो देखो कितना, देख रहे हो प्लेन की तरह लग रहा है। अभी वो लेदर जैकेट उतार दी क्योंकि मैंने, हाँ गर्मी लग रही थी मुझे तो मैंने इसलिए उतार दी। और क्या बोल रही थी मैं, यहाँ पर ना एक धनौल्टी के बीच में जो रास्ता है ना वो इतना पतला है ना कि वो काइंड ऑफ वन वे है, लेकिन लोग निकाल रहे हैं, दो दो गाड़ियाँ इधर से भी जा रही हैं उधर से भी आ रही हैं, लेकिन वो है वन वे काइंड ऑफ। उस पे से ना कोई अगर बस आ जाए तो समझ लीजिए सारा बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ तो ऐसा जगह है जहाँ पर ना काम वगैरह चल रहा है। मैं इंसिडेंट अगर आपके साथ शेयर करूँ तो हमारा एक टायर ना लगभग खाई में था, और लगभग मतलब थोड़ा सा भी मूव करा होता ना और अंधेरा हो रहा था उस दिन, तो बहुत ज्यादा अंधेरा हो रहा था, तो डेप्थ का पता भी नहीं, हाँ डेप्थ का बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। और फर्स्ट डे था तो हमें ये भी नहीं आइडिया था कि यहाँ पर कितना मतलब हाँ कितनी जगह, क्योंकि आज ना मैं आपको बताऊँ तो देहरादून में लॉकडाउन है, तो देहरादून में सब जगह आज लॉकडाउन रहता है, मैक्सिमम सारी जगह बंद रहती है। नहीं मंदिर तो खुला हुआ है, ये खुला हुआ मंदिर, हम लोग पिछली बार मंदिर आए थे यहाँ पर, तो काफी सारे जो लोग हैं वो दर्शन के लिए आए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा मिलके। तो ये है श्रुति, श्रुति है ये। हाँ यार आप रो मत, ना नहीं खुश रहो, मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आपसे मिलने। रियल हम भी आपसे मिलना चाह रहे थे बहुत दिन से। सब करते हो ये देखिए।
है तुमकुल। तू तुम कितने साल के हो? मैं 9। और तुम? 11। कितने क्यूट है। अच्छा यहाँ पे कहीं बैठ ले दो है ना, तो कोई जगह है बताओ। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, कोई बिलीव नहीं हो रहा। लेकिन पहले बैठ के फिर बातें करते, क्योंकि हम लोग रास्ते में खड़े हो ना। हाँ गुलाब पे चलते हैं। लहसुन और क्या कहते हैं उसमें, बहुत स्वाद चाहिए। और पहाड़ी पालक लेकर आई है, वो बनाना आप बनाऊंगी। बिल्कुल फ्रेश फ्रेश है। अच्छा मतलब हमारी एक आंटी है, उनके वहाँ पे लगा रहे वेजिटेबल वेंडर है। अच्छा तो वो दे देती हैं। चलो आज अंदर ही फिर प्रशांत भी आता है कुमसे। एक्चुअली हम आधी रात में हम आपके ब्लॉग्स देखते हैं मैम। अच्छा कितना प्यारा है, मतलब हमें बिल्कुल। इसके लिए मैं वैसे मैं कुछ लाई हूँ इन दोनों के लिए, बहुत छोटा सा गिफ्ट है जो मैं मतलब से लाई। ये मैं नहीं लूँगी, जब आप घर पर आओगी वो मैं अलग आऊँगी। तुम आना घर पे, तुम्हें आना है। मैम मत बोलो, रीमा बोलो, या तो रीमा दीदी बोलो। हाँ रीमा दीदी बोलो। ये है मैं इसके लिए लाई हूँ, ये दोनों क्यूट से कल ही मसूरी से लिया है मैंने। दोनों बहन भाई आपके लिए, हम दोनों के भैया और आपके। मेरे बच्चे दोनों बहुत प्यारे हैं, दोनों ही बहुत प्यारे हैं। आपकी मम्मी को मतलब आंटी जी को, अंकल जी को, दीदी को, जिया जी को, मामा जी को, मामी जी को, सबको मेरी तरफ से प्रणाम, हेलो एंड विश यू अ गुड लक एंड हैप्पी न्यू ईयर। मेरी सब्सक्राइबर है, लेकिन अब मैंने सब्सक्राइबर नहीं बोलूँगी, फ्रेंड बोलूँगी, क्योंकि एक बार हम लोगों का बस मैंने इनसे एड्रेस मांगा था उसके लिए, कोरियर के लिए, क्योंकि गिव अवे शायद ये विन करे थे और उसमें दो लोग विन करे थे, तो एक इनका एड्रेस मांगा था मैंने और एक और का मांगा था। लेकिन सबसे ज़्यादा करीब ये आए मेरे और बहुत सारी चैटिंग और ये सब बातें होती रही। फिर सोचा कि कभी ना कभी तो मिलेंगे, लेकिन आज वो दिन आ ही गया फाइनली कि हम लोग आज मिल लिए। और हम लोग इस रूट से भी निकल रहे थे। पहाड़ी पालक है इसके अंदर। हाँ, और बहुत अच्छी। अरे वाह। आपको पता है जो हमने रजिस्ट्रेशन कराया था उसमें इतनी लंबी लाइन नहीं थी, जब बस हमें एक घंटा लगा, वो भी बस नेटवर्क की वजह से। लाइन तो थी नहीं, लाइन तो थी नहीं, और ये यहाँ पे चले जा रही है, चले जा रही है। ऐसा लग रहा है कि 5 घंटे इनको लगे। हाँ इनको लगेंगे 4-5, इनको 4-5 घंटे लगने वाले। ये सब लोग न्यू ईयर बनाने के लिए जा रहे हैं। एग्जैक्टली आज क्या तारीख हो गई, 27th। हाँ न्यू ईयर के लिए जा रहे हैं, सब न्यू ईयर जा रहे हैं, बट ये लाइन इज रियली लॉन्ग, अभी तक खत्म नहीं हुई है। गाइस ड्राइव करते करते अभी 8 घंटे से ऊपर हो चुका है। और मैं एक चीज देख रही थी जो मैंने, जिसके लिए मैंने कैमरा ऑन किया, कि जो ये जो ट्रक्स होते हैं इनके पीछे कभी कभी आप पढ़ते हो क्या क्या लिखा हुआ होता है। डोंट फास्ट, सभी लोग पढ़ते होंगे, मुझे बहुत मजा आता है वैसे बाय द वे पढ़ने में, मुझे और प्रशांत को। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है डोंट फास्ट माँ की दुआएं। कितने बजने वाले हैं पता है आपको? 9 बजे। हाँ 9 बजने वाले हैं। और हम लोग कितने बजे के निकले हुए हैं आज? 11 बजे के निकले हुए हैं। हम लोग एक ही बार बीच में रुके हैं, बस उसी टाइम रुके थे श्रुति से मिलने के लिए। थक गए हैं, मैं तो ऐसे ही हूँ। नहीं आप भी थके हो, आपने तो गाड़ी ड्राइव करी है, वो भी पहाड़ों से ड्राइव करते हुए आप लेकर आए हो पहाड़ों से। तो जब श्रुति मिली थी बस हमने ना बस वही ब्रेक लिया था, उसके अलावा हमने कोई ब्रेक नहीं लिया है। डिनर करने के लिए हमारा यहाँ पर है। यहाँ पर
तो यहाँ पे फाइनली आज रीमा ने अपनी मन की इच्छा पूरी कर ली है, डोसा रवा डोसा डोसा। आज तो मजा आ गया, मैं और मम्मी पता है गाड़ी में यही बात कर रही थी कि मैं आज छोड़ी खाई है। तो फाइनली गाइज हम लोग घर आ चुके हैं और एक बार का सम्मान मैं कशिश और प्रशांत ऊपर लेकर आ गए हैं और एक बार का और बचा है। तो प्रशांत और कशिश अभी भी नीचे गए हैं सामान निकालने गाड़ी में से और हम लोग जो हैं वो डिनर करके लौटे हैं और थकान तो ज़बरदस्त हो ही रही है। मुझसे कहीं ज़्यादा प्रशांत थक चुके हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करी, काफ़ी हो गई आज उनकी ड्राइविंग। और कशिश की थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई है, उससे कोल्ड हो गया है, ठंड पकड़ लेती है ना। लो ये लोग भी आ गए, तो अब मैं से बोल रही हूँ बस तुम अब स्टीम लेना और एक दवाई खाना तो तुम्हें आराम लगेगा। कशिश कैसा लग रहा है अभी? अभी तो ठीक लग रहा है। अब ठीक लग रहा है, चलो अच्छी बात। थक तो डैडी बहुत गए हैं। सारा सामान यही रख दो, सैनिटाइज करूंगी मैं स्प्रे डाल के। ये लीजिए ये सामान। मटर तो वो रखी गई है, क्या कहते हैं पिंकी का फोन आया था, उसने बोला था दीदी मैं मटर छील के 5 किलो मटर छील के उसने बाहर टांग दी थी बैग में और फोन करके मुझे बोल रही थी दीदी जब आप आओ तो उसे उठा लेना। तो ये रही वो मटर जो पिंकी ने छील के दिए हैं। अब ये सारी चीजें सैनिटाइज होंगी और थोड़ा मैं फ्रेश होती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। एलेक्सा गीजर ऑन कर दो। कशिश सो गया क्या? ये नहीं जलाओ, फिर तो बहुत कम लाइट है। निन्नी आ गई। तो यहाँ पर कशिश ने हेड बाथ ले लिया है पूरा अच्छे से नहाकर, उसे बस यही चाहिए था, यही कंफर्ट चाहिए था, उसका रूम, उसका ब्लैंकेट, उसका बेड, और वो उसे यहाँ मिल गया है। घर पे आते ही तो बस घुस गई वो अपने ब्लैंकेट के अंदर। स्टीम ले ली कशिश? हाँ। लाइट बंद कर दिए बेटा, गुड नाइट। अभी प्रशांत बाथ लेने गए, मैंने ऑलरेडी बाथ ले लिया है तो मैं अब स्टीम ले रही हूँ। तो बाथ हो गई है, स्टीम हो गई है, दोनों चीज कंप्लीट हो गई है, सारी चीजें सैनिटाइज कर ली। एक लॉट मैंने ऑलरेडी वॉशिंग मशीन में चला दिया है लेकिन अभी भी स्टिल कपड़े बचे हैं। एक लॉट ऐसा था जो हम लोग पहन कर आए थे ना कपड़े, और जो मुझे ऊपर ही दिखाई दे रहे थे कपड़े, वो मैंने वॉशिंग पे लगा दिए हैं लेकिन स्टिल अभी अटैचियां खाली करनी बची हैं। फिर भी मैंने बहुत हद तक क्लीन कर दिया, जो छोटा छोटा सामान निकल नहीं आता है वो सब मैंने सेट कर दिया है। तो अभी बज रहे हैं रात के 12:30। तो आज श्रुति से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सच में कोई आपसे इतना भी प्यार कर सकता है, कोई आपके ब्लॉग के थ्रू जुड़कर आपसे इतना अटैच हो सकता है कि मैं क्या बताऊं। उनकी आंखों में उनका प्यार झलक रहा था और ये आप लोग खुद वीडियो देखकर पता लगा सकते हो। तो और पते मैंने उनसे मिलकर एक चीज और एहसास करी कि आप सभी लोग जो मुझे प्यार करते हो, नीचे बहुत प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट कमेंट्स करते हो, डेली लाइक्स देते हो, उन सबका प्यार ना मुझे श्रुति के अंदर दिखाई दे रहा था क्योंकि वो भी मेरी एक सब्सक्राइबर ही है। हाँ अब बस ये कि वो मुझसे मिलनी है तो मैं उनसे एक जो होता है ना वर्चुअल से एक जो पर्सनल फीलिंग होती है वो अटैच हो गई है उनके साथ। तो मतलब उनसे मिलने के बाद मुझे सच में इतनी खुशी मिली है। आज मुझे ना सच पूछो तो ये एहसास हुआ कि आप सभी लोग मुझसे कितना प्यार करते हो। तो थैंक्स टू श्रुति एंड थैंक्स टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली जो मुझे इतना प्यार करती है, सच्ची में लव यू। कभी मौका मिला तो मैं आप सबसे भी मिलूंगी, कोई मीट एंड ग्रीट प्लान करूंगी जिसमें मैं सारे अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के साथ एक मुलाकात कर सकूं, ठीक है ना। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि श्रुति क्या लेकर आई, इतना हैवी बैग हो रहा है ना ये। तो ये क्या क्या लाई है वो मेरे लिए, ओ माय गॉड, पहाड़ी पालक। हाँ वो मुझे बता रही थी कि मैं मैडम आपके लिए पहाड़ी पालक लेकर आई हूँ, मुझे मैडम बुला रही थी। तो मैंने सबसे पहले उन्हें बोला कि पहले तो मुझे मैडम बोलना बंद करो, मुझे दी बोलो या रीमा बोलो, जो मन में है वो बोलो, बस मैडम और सर मत बोलो। तो ये मुझे पहाड़ी पालक दिया उन्होंने, वो कहती कि आप पालक का साग बनाना या कुछ भी बनाना, ये पहाड़ी पालक के टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। और सबसे प्यारी चीज इसने मेरा दिल छू लिया, अपने हाथों से वो कुछ मीठा बनाकर लाई है। अब मैं देखती हूँ कि इसके अंदर है क्या। कह रही थी कि कशिश को और
प्रशांत सर को मीठा बहुत पसंद है, मैंने व्लॉग्स में देखा है, और मैं उन दोनों के लिए मीठा बनाकर लाई हूँ। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि मुझे आप जैसे सब्सक्राइबर मिले हैं। देखिए ये मीठा सुन के ये भी आ गया। मीठा सुन के मैं भी आ गया, मैं भी देख रहा हूँ। ओह वाओ, क्या है ये? तो हलवा है, बोल तो रही थी मेरे को, है ना? हाँ। ड्राई फ्रूट का हलवा है। लो आप टेस्ट करो पहले, आपके लिए और कशिश के लिए बनाकर लाई है। वाओ यम्मी, ये दाल का हलवा है, मूंग दाल हलवा। थैंक यू श्रुति, ऑसम, थैंक यू। गरम करके लाना मेरे को। थैंक यू श्रुति, एंड लव यू। थैंक यू। और कुहू और कुटकुट को मेरा स्पेशल प्यार। और हाँ, वो बोल रही थी कि ना देहरादून में कीनू बहुत अच्छे मिलते हैं, तो मैडम मैं आपके लिए कीनू भी लाई हूँ। तो ये देखिए कीनू भी लाई है, कहती अपनी बालकनी में बैठकर इसको खाना। जो लास्ट चीज लाई है वो अमरूद। अब इसके पीछे भी वो बता रही थी क्यों लेकर आई हूँ, कि मैंने कल का व्लॉग देखा था जब आप ट्रैवल कर रहे थे, सर से आप अमरूद मांग रहे थे, तो सर ने दिलाए नहीं थे ना आपको रास्ते में। एक्चुअली मैं मारने मार रहा था, मुझे गाड़ी नहीं रोकनी थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए लेकर चलती हूँ। ये देखो, ये सही है। श्रुति क्या बोलूं मैं तुम्हारे बारे में, थैंक यू डियर, थैंक यू। और चलते चलते ये कशिश को चॉकलेट दिला दी। यही था आज, मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा मुझे उनके साथ। सोचा नहीं था कभी मैं अपने किसी सब्सक्राइबर से ऐसे रूबरू भी मिल पाऊंगी, सच्ची में। और चलिए गाइस, तो रात काफी हो चुकी है, 12:30 बज रहे हैं। कल मिलूंगी फिर से आपको एक नए व्लॉग के साथ। और अब तो न्यू ईयर भी आने वाला है, आप लोगों के क्या प्लान है न्यू ईयर के? जरूर आप लोग कहीं ना कहीं घूमने जा रहे होंगे या फैमिली गैदरिंग तो कर ही रहे होंगे। सोसाइटीज के साथ कुछ ना कुछ गेट टुगेदर छोटा मोटा कुछ तो हो ही रहा होगा आपके घर में भी। क्या पक रहा है आपके घर में न्यू ईयर के दिन, मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। और कैसे आप सेलिब्रेट करने वाले हो ये सब मेरे साथ शेयर करते रहा करो, इसी तरीके से जैसे कि आजकल आप लोग मेरे साथ शेयर करते रहते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट्स पढ़कर। कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के रिप्लाई दे सकूं। कभी कभी मैं ट्रैवल में होती हूँ ना, तब मैं थोड़ा सा रिप्लाई नहीं दे पाती, अदरवाइज मैं पूरी कोशिश करती हूँ, तो बुरा बिल्कुल मत माना करिए। बाय बाय, बहुत सारी बातें होती है करने को, कल करूंगी, लेकिन बाकी की बातें। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।